जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद। ये आपकी कक्षा 11th क्लास की है, जिसमें हमें नोमैडिक एम्पायर के बारे में पढ़ना है, यायावर साम्राज्य के बारे में। तो आज हमारी अध्ययन ही यायावर पे होगी, जिसमें देखना है कि यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकता है, और यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं, और यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अभी अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूहों में संगठित होते हैं। यायावर जिसको नोमैडिक कहते हैं, पहले इसका मतलब आप समझिए कि नोमैडिक होता क्या है। ठीक है, नोमैडिक कहने का मतलब होता है कि जो अनस्टेबल हो, जो स्टेबल नहीं हो, उनको अनस्टेबल होती है। यानी कहने का मतलब है कि ये स्टेबल नहीं होती है, एक जगह नहीं रुक सकती है, घूमते रहती है। यायावर का जीवन ही घुमंतू जीवन कहा जाता है, और यह प्रारंभिक जो हम कहते हैं एंशियंट काल से यह ऐसा चला आ रहा है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन तौर और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते थे। या कैसे होते थे, जैसे 50-100 लोग मिल गए, उनके परिवार मिल गए, और सब एक साथ कहीं उठ करके चले गए। इन लोगों द्वारा झूम कृषि भी किया जाता था, जैसे कृषि एक जगह कर लिए, यहाँ का फसल हो गया, जमीन अब जुताई उताई का तो कुछ था नहीं, और फिर अचानक क्या हुआ कि दूसरे जगह वहां से करके फिर दूसरे जगह चले गए, फिर 2-3 साल बाद लौट करके वहां आए, फिर कृषि किए, एग्रीकल्चर किए, तब जाके इन लोग अपने जीवन निर्वाह करते थे। कहते हैं कि दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागे प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। मेरे दोस्तों, क्या हुआ कि आपने देखा जो मंगोल थे, वह भी एक घुमंतु, वो भी एक क्या थे, घुमंतु यायावर तौर पर थे, वो कबीले वगैरह के लोग सब। अब जैसे आपने देखा कि भारत में बहुत सारे अक्रांता हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि आक्रमणकारी है, वो सब क्या थे, उनके पास खुद नहीं था। अफगान में क्या था, वो साला बालू में खेलता, बालू में गोली चलाता। तो बालू में गोली नहीं चलाता तो गोली लेकर के निकल गया भारत पर, वो गोली निकल के लेके निकल गया अफ्रीका पर, वो गोली लेके कहीं और निकल गया, जहां उस गोली से मारा मरा और उससे लूट करके उन धन को फिर वहीं ले गया अपने साम्राज्य को। गजनी का सुल्तान आपने देखा, आपने मंगोलों को देखा, आपने देखा किस तरह से कि गोरी आया, आपने देखा किस तरह से गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। या क्या थे, एक ऐसे लोग थे जिनके पास खुद खाने खजाने के लिए नहीं हुआ करता था, तो वह लूट। अब मान लीजिए कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो गरीब का बच्चा 2-4 गो हो गया, वो ससुर के पियक्कड़ निकल गया, और का किया कि अब चोरी चुहारी में इधर पढ़ा नहीं। देखे, सबसे बड़ी चीज होती है कि समाज का डेवलपमेंट कब होता है, जब आप शिक्षित हो। अगर आप शिक्षित हैं तो शिक्षित होने के बाद आप कुछ अच्छा करना चाहिएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, थोड़ी देर के लिए देखते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आप जैसे संविधान निर्माता हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो आप लोग पढ़ लिख कर एक होना चाहिए, आपको पढ़ाई एक ऐसा साधन है कि जिससे आप किसी से लड़ सकते हैं। तो हम सचरी के देखते हैं, कोई कहता हम चमार हई हमार हई हई, इससे मतलब नहीं होता। कहने का मतलब है कि यूनिटी, आप जो पढ़ाई करते हैं, सबसे बड़ी कलम की ताकत होती है। आप कितने भी घर में 500 लोग हो, ठीक है, एक प्रशासन का अगर कलम चल जाता है, अगर कोई मान के चलो, सब शांत होता है कि नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई के माध्यम से आप लोगों से ऊपर उठो, आप लोगों से ऊपर उठो। तो यहां सब क्या करने लगा, जहां देखिएगा यूट्यूब और फेसबुक लाइब्रेरी जब देखिएगा, तो हर समय वही लाइब्रेरी में मिलेगा हमें, अपने जाति का बखान करते हुए। जाति का क्या मतलब होता है, जाति का मतलब होता है एक अनुबंध होता है जो लोगों को जीने के लिए एक माध्यम देता है। जाति का मतलब ये नहीं होता है कि हम आपको काट दिए, आप राजपूत है, आप ब्राह्मण है, आप क्षत्रिय है, किसी को कोई काट दिया, नहीं। जाति का मतलब होता है कि एक अनुबंध होता है, एक दायरा होता है जिसमें जीवन को आप निर्वाह कर सकते हैं।
इन समय इन सब चीजों की कोई बहुमूल्यता नहीं थी, ना किसी के पास लैंड था ना कुछ था, जो जहां चल देता था। और जहां आज रात मान के चलो यहाँ हम तंबू गाड़ दिए, यहाँ खा पी लिए, एक आध साल 6 महीना रह लिए, हमको हवा पानी खराब लगने लगा, फिर उठाए बोरिया चल दिए। अच्छा वो बात आज के डेट में आप गाँव में देखते हैं कि जब परिवर्तन हुआ है तो क्या गाँव में आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं घर छोड़ के भागते, वही घर रहना ही है, चाहे घर में पियक्कर आ, घर के बगल में पियक्कर आ जाए, या घर में पियक्कर आ जाए, या पड़ोसी साला पूरा पियक्कर चोर चुहार निकल जाए, फिर भी आप घर छोड़ के भागते हैं, नहीं भागते हैं। लेकिन पहले के समय में यह परिवर्तन था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह घूम करके अपने जीवन निर्वाह के लिए करते थे। आज भी आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक आध दो गो लोग बाहुबली हो जाता है, कुछ लोग अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग ताकतवर हो जाते हैं, क्यों? लाठी के दम पर, उनके पास 10-20 समांग होता है, कहीं मार हुआ पूरा घर वाला उठ के चला गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपने देखा कि कोई औजार वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, हथियार के तौर पर लोग जो पत्थरों के, किस तरह से आपने देखा है कि पत्थरों के औजार बना करके अपने जीवन को निर्वाह करते थे, ना आग था ना कुछ था, तो घुमंतु के तौर पर काम करते थे। लेकिन यहाँ तक आते आते परंपरा बदल गई, लोगों की आत्मचेतना जगी और लोगों में डेवलपमेंट की कुछ भाव जगी, जिसके कारण से उन्होंने साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाने का कोशिश किया। और दूसरे, जैसे आप मान के चलिए हमारे पास क्या है, मान के चलिए हम 100 लोग घर में हैं, 100 लोग में 100 रुपया नहीं आ रहा है, और सोचते हैं कि अगले जहां बढ़ना है वहां पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और वहां 50 लोग आए वहां मारपीट करेंगे तो वहां हमको 10-20 हजार रुपया आ जाएगा, स्वाभाविक है। तो उठ करके 100 लोग चल गया 10-20 हजार रुपया के लिए, तो वहां लूट करके फिर ला करके अपने साम्राज्य को विस्तार करना चालू किया, यही होता है। ठीक है, आगे देखिए साम्राज्यवादी नीति जो होता है उसके अंतर्गत होता है, देखिएगा। द टर्म नोमैडिक एम्पायर्स कैन अपीयर कंट्राडिक्टरी, नोमैड्स आर इज ऑर्गेनाइज इन अ फैमिली असेंबलीज विद रिलेटिवली अनडिफ्रेंशिएटेड इकोनॉमिक्स लाइफ एंड रुडिमेंट्री सिस्टम्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन द टर्म्स एम्पायर्स ऑन द अदर्स हैंड कैरीज विद इट इज द सेंस ऑफ अ मटेरियल लोकेशन सस्टेबिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर्स एंड द गवर्नेंस ऑफ द एक्सटेंसिव टेरिटोरियल डोमीन थ्रो एंड एलोबरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसमें कहा कि इन्होंने अपने धीरे धीरे प्रशासनिक को बढ़ाने एलोबरेट किया। इस अध्याय में एक विभिन्न वर्ग में यायावर का अध्ययन किया गया है, और ये है मध्य एशिया में मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में, वही मंगोलों की ही बात कर रहा है जिनका हमने अभी किया है जिक्र, मंगोल 13 to 14 सेंचुरी, ठीक है, मंगोल 13 to 14 सेंचुरी, जो इन्होंने लगभग मध्य एशिया एशिया पे अपना कब्जा जमा रखा था और बहुत बड़ी साम्राज्य इनकी हुआ करती थी। 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना चंगेज खां के नेतृत्व में की गई थी, और यह चंगेज खां के नेतृत्व में इसकी मंगोल की स्थापना की गई थी, चंगेज खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। और कहता है साम्राज्य निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलियों के यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे, और लेकिन मध्य एशिया के यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। ठीक है, और इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा और उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, और जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। ठीक है, और स्वाभाविक होता है कोई भी परंपरा होती है, कोई भी सभ्यता होती है, कोई भी ट्रेडिशन होती है, तो एक दूसरे को उसमें संलिप्त कर ही लेती है। जैसे यूरोप में विकास हुआ तो क्या भारत बचा? नहीं बचा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने देखा 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद भारत का भी डेवलपमेंट होता है, रेलवे लाइन का हुआ, पोस्ट ऑफिस का हुआ, सब कुछ हुआ, आपने देखा नेविगेशन का हुआ, मतलब जो जल वगैरह जो होता है नेवी वाले, तो सब कुछ में बढ़ा के नहीं, उनका बढ़ोतरी हुआ। तो इसी तरह से देखते हैं, अगर एक राज्य देश का विकास हो रहा है तो अगर उससे अगर दूसरे देश भी अगर कुछ हमारा आदान प्रदान हो रहा है तो उस कल्चर होता है, संस्कृति होता है, व्यापार होता है, यह सारे एक देश दूसरे देश से होते हैं। आगे तो मंगोलों का भी प्रभाव लगभग पूरे में पड़ा। आगे देखिए, दिस चैप्टर स्टडीज अ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोमैड द
मंगोल्स ऑफ सेंट्रल एशिया हु एस्टेब्लिश्ड उसके बाद ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर अंडर द लीडरशिप ऑफ जेनिस खां, इसको जेनिस खां बोलते थे, देखिएगा जरा, रिलेटिव टू द एग्रीग्रेन बेस्ड इंपेरियल्स फॉर्मेशन इन चाइना, द नाइबरिंग्स नोमेड्स ऑफ मंगोलिया मे हैव इनहेबिटेड अ नंबर या नंबर लेस कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड, बट द सेंट्रल एशिया नोमैडिक सोसाइटीज वर नॉट इंसुलेटेड इंसुलेटेड आइसलैंड आइलैंड्स दैट वर इम्प्रेसिव टू हिस्टोरिकल चेंज दीज सोसाइटीज इंटरेक्टेड हैड एन इम्पैक्ट ऑन एंड लर्न फ्रॉम द लार्ज वर्ल्ड ऑफ विच देवर वेरी मच अपार्ट, जिसमें कहा इस अध्याय में हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाज की रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन चलाने की प्रभावित पद्धतियों का सूत्रपात किया। जो मंगोल थे, चंगेज खां क्या था, एक लुटेरा था। चंगेज खां क्या था, एक लुटेरा था। चीन वगैरह सब कुछ को, यही मंगोलिया है, यही मंगोलिया का रहने वाला था। चीन वगैरह सब कुछ पे अपना अधिकार जमाया भाई, सेंट्रल एशिया का पूरा पावरफुल ताकत था। आपने उसके फिगर को देखिएगा इस बुक में, उसके पूरे फैमिली के बारे में बताया गया है, इसके पूरे फैमिली के बारे में है, जिसमें दादा पोता पछर पोता सब उसमें दिए हुए हैं। यही जेनिस है और इसी के शाखाएं हैं, ब्रांचेज है, यह उसकी जेनिस की पूरे शाखाएं ब्रांचेज है। आप देख लीजिएगा किस तरह से उसके बारे में बताया गया है, द मंगोल डायनेस्टी, उस तरह का जो मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल एम्पायर था। आगे को दिस चैप्टर स्टडीज द मैनर इन विच द मंगोल्स अंडर जेनिस खां एडॉप्टेड देयर ट्रेडिशनल सोशल एंड पॉलिटिकल कस्टम्स टू क्रिएट अ फियर हाँ फियरसम मिलिट्री मशीन्स एंड अ सोफिस्टिकेटेड मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आगे क्या कहा, अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े इस साम्राज्य का। यूरेशिया, देखिएगा, यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसके मंगोलों के समाज के चरित्र और संगठनात्मक को हमेशा के लिए बदल दिया। अब कहा यूरोशिया का, तो भैया यूरोप जोर एशिया कुल मिलाकर के बना यूरेशिया। यूरेशिया तो यह जो यूरेशिया है, मतलब इसमें एशिया पर भी प्रभाव पड़ा यूरेशिया। तो यूरेशिया वाले चीन वाले देख लीजिएगा, मंगोलिया से सटे हुए अगर मैप की बात कीजिएगा तो जो मंगोलिया है, मंगोलिया से ऊपर में आप देखते हैं रसिया वगैरह, तो समझ इसमें आपका कजाकिस्तान वगैरह, उज्बेकिस्तान वगैरह, फिर उसके बाद आप देखते हैं अफगानिस्तान वगैरह, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, पाकिस्तान वगैरह, इंडिया, ये सारे क्षेत्र पर इसका पूरा एकदम अधिपत्य था, पूरे इसके शासन फैले हुए थे मंगोलियों के। ठीक है, मंगोलों के, देखिएगा स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, स्टेपी जो स्टेपी के क्षेत्र में रहते थे, कोई नहीं रचा, और इसलिए हमारे इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तियों, यात्रा वृत्तांतों और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इन लेखकों की यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है और मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं ने, जो मंगोल की साम्राज्यिक सफलता थी, सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों के यात्रा वृतांत लिखे, अन्य मंगोल अधिपतियों के राज्याश्रय में रहे और इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। वे बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान, या जो मंगोल के नेतृत्व में, एम्पायर के नेतृत्व में थे, उनमें बौद्ध थे, कन्फ्यूशियस थे, उसके बाद सारे धर्म, बहुत सारे ऐसे धर्म थे जो इनके समय में फले फूले। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर
इसी चीज को कहा द स्टेपिड्यूलर्स देमसेल्व्स यूजुअली प्रोड्यूस्ड नो लिटरेट सो आवर नॉलेज ऑफ नोमैडिक सोसाइटीज कम्स मेनली फ्रॉम क्रोनियल्स क्रोनिकल्स ट्रेवलर उसके बाद ट्रेवलर्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सिटी बेस्ड लिटरेट्स दिज ऑथर्स ऑफन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली इनऑर्डिनेट एंड बेस्ड रिपोर्ट्स ऑफ नोमैडिक लाइफ द इम्पीरियल सक्सेस ऑफ द मंगोल्स हाउएवर अट्रैक्टेड मेनी लिटरेटी लिटरल सम ऑफ देम प्रोड्यूस ट्रेवलॉग्स ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस अदर स्टाइल टू सर्व मंगोल मास्टर्स दीज इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड बुद्धिस्ट कन्फ्यूशियस क्रिश्चियंस तुर्की एंड मुस्लिम ये सारे उसके एम्पायर के नीचे रहकर काम किए और राज्य विस्तार का साक्ष्य भी थे। ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के शहरों से उपजे इन निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया गया और इनको स्टेपी क्योंकि स्टेपी क्षेत्र में जो थे ना वहां के लुटेरे इनको कहा जाता था। ठीक है, आगे देखना फिर क्या कहता है। फिर कहता है इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषा अपने समाज और संस्कृति पर अधिक शोध बोरिस याकोबा लेविच ब्लाडी मीर स्टॉव याकोबा लेविच ब्लाडी मी स्टॉव जैसे अन्य विद्वानों ने किया और दूसरे अन्य विद्वान बैलेसी या एक विद्वान थे उसके बाद बैसिली ब्लेडी मीरोविच बार्टोल्ड ने किया। दूसरे अन्य विद्वान बैसिली ब्लेडिमीरोविच बार्टोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया और इन्होंने जो सोवियत की चीन जो रूस की यानी सोवियत जिसको कहते थे रूस की विचारधारा का समर्थन नहीं किया और एक ऐसे समय स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई और स्टालिन स्ट्रेबो जितने भी हैं जो स्टालिन है कि शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट पैदा हो गई और तब बार्टोल्ड के द्वारा चंगेज और उसके वंशजों के अधीन मंगोल का जीवन और उनकी उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक विवरण ने उन्हें अविवेचकों यानी सेंसर्स के रोष का पात्र बना दिया और उन्होंने बार्टोल्ड की रचनाओं के प्रसार पर कठोरतापूर्वक पाबंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक के उत्तरवादी खुश्चेव 1960s डिकेड ऑफ यूएस सोवियत रूस ठीक है दौरान उसकी उपरांत उनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित हुआ। जब वह घटना बहुत घट जाती है तब इसको 1960 के आसपास 9 खंडों में इसको प्रकाशित करने का काम किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा। कहा डिस्पाइट फॉलोइंग सच डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ अ हिस्ट्री एक्सीलेंट रिसोर्सेज ऑफ द मंगोल्स लैंग्वेज देयर सोसाइटी एंड कल्चर वॉज कैरीड आउट बाय
कैरिड आउट बाय स्कॉलर सच एज द बोरिस याको लेविच, एक उसके बाद ब्लादिमिनिस्ट्रोट्स एंड अदर्स सच एज वेस्ली ब्लादिमिनिस्ट्रिच, उसके बाद बार्टोल्ड डिड नॉट क्वाइट टूज द ऑफिशियल्स लाइन एट अ टाइम बेन द स्टेटनिस्ट रीजन हाँ रेन रीजन रिजाइन वॉज द एक्सट्रीमली वर्ड एक्सट्रीमली बॉडी टू रीजनल नेशनलिस्ट. उसके बाद बार्टोल्ड सिंपैथी एंड पॉजिटिव असेंटमेंट ऑफ द कैरियर एंड अचीवमेंट ऑफ द मंगोल्स अंडर चंगेजीज खान्स एंड हिज सक्सेसर्स गॉट हिम इनटू ट्रबल्स विद द सेंसर्स. ठीक है. इट सेवरली कर्टेल्ड द सर्कुलेशन ऑफ द वर्क ऑफ द स्कॉलर्स एंड इट वॉज ओनली इन द 1960s ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मोर लिबरल खुश्चेव इरा, इसको लिबरल कहा जाता है, उदारवाद का कहा जाता है, यह लिबरल था, खुश्चेव इरा दैट इज द राइटिंग्स वर्ड द अनपब्लिश्ड इन द 9 वॉल्यूम्स. ठीक है. आगे देखिएगा. फिर कहा मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब यह भी था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध हैं वे अनेक भाषाओं में रचे गए हैं और इनमें सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में भी मिलती है. अब इनके समय जो रचना हुई इसमें आप देखते हैं चीनी में थी, मंगोली भाषा में थी, अगर आप बात करते हैं फ्रांसीसी भाषा में थी और एंड रूसी भाषा में भी मिलती है और अक्सर एक ही मूल ग्रंथ भिन्न के साथ दो अलग-अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं. उदाहरण के लिए चंगेज खां के विषय में सबको प्राचीन विवरण मंगोल उन न्यूटोन न्यूटोबियन देखिएगा. मंगोल उन निवियो तोबिया अन. ठीक है. मंगोल के गोपनीय इतिहास जो मंगोल और चीन भाषा में मिलती है. ठीक है. उसका मंगोल का अपना हिस्ट्री था जो मंगोलिया और चीनी भाषा में मिलती है, एक दूसरे से अलग है. और इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार का यात्रा वृत्तांत जो कि इतालवी और यानी इटली और लातिनी लैटिनी जिसको बोलते हैं लैटिन और इटली भाषा में उपलब्ध है, इसके द्वारा मार्को पोलो बहुत प्रसिद्ध था. मार्को पोलो इसको वृत्तांत मतलब इसने जो लेख लिखा एक दूसरे से मेल नहीं खाते और चूंकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम साहित्य रचा और विदेशी संस्कृति वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा रचनाएं रचने का काम करा. ठीक है. काम किया. देखिएगा द उसके बाद द ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्पैन ऑफ द मंगोल एम्पायर ऑल्सो मीट दैट द सोर्स अवेलेबल टू स्कॉलर्स, किसके द्वारा जो बाहरी आए थे स्कॉलर्स, टू स्कॉलर्स आर रिटेन इन अ वास्ट हम्बर ऑफ अ लैंग्वेज नंबर ऑफ वास्ट नंबर ऑफ अ लैंग्वेज परहैप्स द मोस्ट क्रूशियल्स एंड क्रूशियल आर द सोर्सेज इन द चाइनीज, मंगोलियंस, पर्सियंस एंड अरेबिक, बट वाइटल मटेरियल्स आर ऑल्सो अनेबल अवेलेबल इन द इटैलिक इटालियंस लैटिन फ्रेंच एंड रसिया. ऑफन द सम टेक्स्ट वॉज द प्रोड्यूस्ड इन टू लैंग्वेजेस विद द डिफरेंट कॉन्टेंट्स. ठीक है. अलग अलग कॉन्टेंट्स में. फॉर एग्जाम्पल द मंगोलियंस एंड चाइनीज वर्जन उसके बाद वर्जन ऑफ द अर्लिस्ट नैरेटिव अर्लिस्ट नैरेटिव ऑन द जैनिस खा टाइटल मंगोल्स अन यूनियन जो देखे हैं अन न्यून टू बी एन
उसके बाद द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स, या सीक्रेट हिस्ट्री किसके बारे में, मंगोल के बारे में। फिर आप देखते हैं आर द क्वाइट डिफरेंट एंड द इटैलिक एंड लैटिन वर्जन लैटिन विजन्स ऑफ द मार्को पोलोज ट्रेवलर्स टू द मंगोल कॉट डू नॉट मैच, जो उससे मैच नहीं खाती है। फिर कहता है सिंस द मंगोल्स प्रोड्यूस लिटिल लिटरली फ्रॉम फॉरेन कल्चर्स, हिस्टोरियंस हैव ऑफन डबल डबल एज अ फिलोसिस्ट टू पिक आउट द मीनिंग ऑफ परहैप्स फॉर देयर चोजेस्ट अप्रोक्सीमेशंस टू मंगोल यूजेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे इसमें कहा, अतः इतिहासकारों को उन विदेशी, जो विदेश से आए हुए थे, विदेशी मूल रचनाओं में जिन वाक्यों वाक्यांशों का प्रयोग हुआ है उसका मंगोल भाषा के करीब अर्थ निकाल लेने के लिए वड़ग मीमांसक यानी फिलोलोसिस्ट की भूमिका अदा करनी पड़ी है। और कहता है इमोर दे रखे विल्स मंगोल का गोपनीय इतिहास, और उसके बाद ग्रेहाई डोर्फर जिन्होंने ऐसी मंगोल और तुर्की शब्दावलियों पर काम किया जो फारसी में शामिल हुई। ठीक है, चंगेज खां के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोन के, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा तो टॉपिक पे बात करते हैं, जो चंगेज था पोता किसका, चंगेज का नाम क्या था इसका, मोन के ईस्वी था 1251 से लेकर के 60, महज 9 साल के लिए। फ्रांस के शासक लुई नौमावे नौमा फ्रांस का शासक था लुई नाइन्थ। ठीक है, 1226 से 70, 1226 से 70, देखिए क्या इसको धमकी देता है, कोई यह चेतावनी दी स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति चंगेज खां स्वर्गपुत्र, उसको स्वर्गपुत्र भी कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में दे देगा, निम्न में से स्वर्गपुत्र किसको कहा जाता था, चंगेज खां, ठोक के आ जाना। जब शाश्वत स्वर्ग के शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर के अस्त होने तक आंगित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। और यद्यपि अपने शाश्वत स्वर्ग की अज्ञप्ति, मतलब उसकी जो आज्ञा होता है, अज्ञप्ति को समझ लिया है, और फिर भी आप इस पर विश्वास न करें तो करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, मतलब ये जो फ्रांस वाला था ना जी, एक कह देता था मंगोलियों से कि हमारा देश दूर है तो आपको समय लगेगा हमारे यहाँ आने के लिए। लेकिन मंगोल की जो घोड़सवारी हुआ करती थी बहुत उन्नत किस्म की थी। ठीक है, हमारे पर्वत विराट है, वही जो फ्रांस वाला है, ठीक है, पर्वत विराट है। फिर उसके बाद कहा, और हमारे समुद्र विशाल है, अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिनके कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया। यह चंगेज खां के पोते ने धमकी दिया था किसको, फ्रांस वाले को, जो लुई नाइन्थ थे। और आपने देखा था लुई 16वें के आसपास फ्रांस में जो क्रूरता की शासन थी उसको खत्म किया गया था, जो 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उसमें। ठीक है, इट वॉज इन द स्पीच ऑफ द जेनिस खान्स आइडियाज डेट द ग्रैंड सन्स मोन के 1251 टू 60 वॉर्न्ड द फ्रेंच रूलर्स लुइस 9 1226 टू 70 इन हेवन देयर इज ओनली ऑन एक्सटर्नल स्काई ऑफ द ऑन अर्थ देयर इज ओनली वन लॉर्ड जेनिस खान द सन ऑफ हेवन। ठीक है, जिसमें कहा वेन बाय द पावर्स ऑफ द एक्सटर्नल हैव, हाँ एक्सटर्न
एक्सटर्नल हैव इन द होल वर्ल्ड फ्रॉम द राइजिंग्स ऑफ द सन टू इट्स सेटिंग्स शैल बी एट वन इज जॉय एंड पीस। ठीक है, यही उसके बारे में कहा। एक केवल कोड़ी धमकियां ही नहीं थी, चंगेज खां के एक दूसरे पोते बाटू बटुआ आ गया। अब देखिए बेहुदा को बटुआ आ गया, अब एक दूसरा पोता एक और आ गया बाटू बाटू। 1236 से लेकर के 41 तक बटुआ आ गया। ठीक है, देखिए क्या कहता है बटुआ। कहता है कि 1236 से 41 के अभियानों में रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त की बाटू ने, बाटू द्वारा कहा गया। वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया और 13वीं शताब्दी की अगर बात करते हैं, 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में है, कि सारी आकाश अगर मंगोल जहां निकलते थे वह सारा जमीन उनका हो जाता था। आगे देखिए, चीन के अधिकांश भाग मध्य पूर्व एशिया और यूरोप यह मानने लगे कि चंगेज खां की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है, क्योंकि ईश्वर गुस्सा हो गया है इसीलिए वह ऐसा मानने लगे। उसके बाद और यह कयामत के दिन भी शुरुआत है, दिस वर नॉट एम्प्टी थ्रेड्स एंड द 1236-41 कंपेंग्स ऑफ अ बाटू अनदर ग्रैंड सन्स ऑफ द जेनीस का एडवास्टेड रशियन रशियन लैंड्स अप टू मास्को स्वेज पोलैंड एंड हंगरी एंड कम्पेट आउटसाइड वियना इन द 13th century। इतना में उन्होंने क्या किया कि लगभग भूमि को अपना बनाने का काम किया। चलिए हाँ, देखिएगा आगे कहा, मंगोल ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया। सिकंदर ने भी 3 महाद्वीपों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जिस समय हम तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे थे उसमें, तीसरे चैप्टर में जो चंगेज, जो सिकंदर था, सिकंदर जब मरता है, जब सिकंदर अपने जीवन में लगभग भारत वगैरह सब कुछ पे आया, सब कुछ को किया, लेकिन एक पौरुष के चक्कर देने के बाद वह भारत की तरफ नहीं बढ़ा, और कारण थे कि क्लाइमेट कंडीशन भी उसके लायक भारत का नहीं था और उसके सैनिक ने भी मना कर दिया था। वह लगभग पूरे विश्व विजेता बनने के लिए निकला था और जब तक लड़ा 32 साल की उम्र में उसकी मृत्यु होती है। और सोचो 32 साल में 3 महाद्वीपों को जीत लिया, एशिया को जीता, अफ्रीका को जीता, यूरोप को, लगभग महाद्वीप उसके अधीन हो गए थे, लेकिन इसने उसको भी बौना बना दिया, पूरा हिला दिया। देखिए आगे फिर क्या कहता है, जो भी हो मंगोल तथा चंगेज खां की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों से शुरू करें, जैसे कि मंगोल कौन थे, मंगोल एक लुटेरे थे, वे कहाँ रहते थे, ऐसा नहीं लेकिन मंगोल तो वही थे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या कहता है, मंगोल की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, अगर सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो कैसी थी उसके बारे में। देखिए कहता है, संसाधनों में कमी होने के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। अभी बताया कि इन एरिया में संसाधन कम थे तो संसाधन आप जुटाइएगा कि नहीं। मान के चलिए कि आपके घर में कोई एक हैंडपंप गा रहे हैं आप, तो हैंडपंप के लिए तो चीजों तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना, उसी तरह से मंगोल सब चीज को इकट्ठा करते हुए निकलते आगे बढ़ते चले गए और महत्वाकांक्षा उनकी बढ़ती चली गई। मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खां द्वारा बनाया गया और परिसंघ 5वीं शताब्दी की अटिल्ला मृत्यु 453 ईस्वी द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। ठीक है, जो 453 में अटिल्ला द्वारा बनाया गया था, अटिल्ला द्वारा। ठीक है, देखिएगा, द साइज ऑफ द जेनीस खां एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ मंगोल्स एंड तुर्कीज ट्राइब्स वॉज द परहैप्स Matched in size only by that which had been swished together in the 5th century by the Attila, 453 BC AD। ठीक है, इसमें अटिला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज खां की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही।
क्योंकि देखिए एक, अब बाद में थोड़ा और आगे आते हैं, जब हम जब अशोक को देखते हैं, अशोक के मरने के बाद तकरीबन 80-90-100 साल तक उनके साम्राज्य खत्म होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, शासक खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। लेकिन चंगेज खां का ऐसा शासन नहीं था। कारण था कि चंगेज खां के तलवारों के दम पर, नोक के दम पर लोगों को मार करके बर्बरता के साथ उसके शासन पर कब्जा किया था, लोगों में डर थी। लेकिन अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद लड़ना छोड़ दिया था, लोगों के अंदर से डर तो निकल ही जाती है ना, जैसे हम मारना छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद मारना छोड़ दो, छोड़ दो, मारते नहीं, छोड़ दो, लेकिन तोड़ते रहते हैं तो परंपरागत होता है कि नहीं, इससे कुछ हमको सजा भी मिल सकती है, तो डर होता है। तो उसी तरह चंगेज खां के वंशजों से डर था, लेकिन आने वाले मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण हुआ कि वह युद्ध लड़ना छोड़ दिया, स्वाभाविक है, स्वतंत्र राज्य घोषित करना आपने देखा। आगे देखिए फिर क्या कहता है, अटिला के बनाए समरी संघ हो गया। फिर कहता है मंगोल ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही साथ जटिल कृषि अर्थव्यवस्था एवं नगरीय आवासों, नगरीय मतलब सिटी लाइफ स्थल, उसके बाद स्थानबद्ध समाजों यानी सेडेंटरी सोसाइटीज का बड़ी कुशलता से प्रशासक किया, और मंगोल के अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके इससे बिल्कुल ही भिन्न थे। आगे देखिए, अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यायावरों से विभिन्न शासन कालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची, और यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में, ईस्वी से ही भी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों को किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था, और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से इन किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया, और जिसे आज एक चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। और चीन की दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, और यह बहुत ऊंची दीवार भी है चीन की, ठीक है। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है कि चंगेज खान का जीवन वृत्त, द कैरियर ऑफ द जेनीज खान, जिसमें क्या कहता है, कहता है चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में अनोन ओनोन नदी, ओनोन नदी है एक, ओनोन रिवर है, ओनोन ओनोन रिवर के निकट हुआ था, और उसका प्रारंभिक नाम तेमुजीन था, तेमुजीन उनका नाम था, और उसके पिता का नाम एउश, उसके बाद एउश जेन, एउ जे एसु जे एसु जे एसु जे था, जो कियात कबीले का मुखिया था। उसका बाप एक कबीले का मुखिया था। पहले बताते थे कि जनजाति वगैरह जो होती है कबीलों में बटी होती है, जैसे 100 परिवार को मिलाकर के एक कबीला, 50-100 परिवार को मिलाकर के एक कबीला, इसी तरह से वो बटी होती थी। जैसे गांव में देखते हैं कि इतना टोला मिला करके, 2-4-5 टोला मिला करके एक वार्ड का निर्माण हुआ, ऐसे करके फिर और दूसरे वार्ड का निर्माण हुआ, उसी तरह से कबीला हुआ करता था। दोनों की प्रशासन व्यवस्था अलग हुआ करती थी। जेनिस खान वॉज द बॉर्न सम ऑफ इन द अराउंड 1162 नियर द ओनन रिवर्स इन द नॉर्थ ऑफ द प्रेजेंट डे मंगोलिया, नेम्ड तेनिज, हाँ तेनुजीन, ही वॉज एंड द सन ऑफ द जे एसुजी, ठीक है। उसके बाद नवयुवक बोगुर्चू, बोगुर्चू उसका प्रथम मित्र था, और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ बना रहा, ठीक है। आगे देखिएगा, 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को उसके बाद निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजीन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा, और उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली, और उसे चंगेज खान समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि से भी के साथ में मंगोलों का महान महानायक घोषित किया गया, ठीक है। द फाइनली डिफीट ऑफ द नेम्ड पीपल्स ऑफ द पावर्स ऑफ द जमुगा इन 1206 लेफ्ट तेमुजीन एज द डोमिनेंट पर्सनैलिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेप लैंड, अपोजिशन डेट वॉज द रिकॉग्नाइज एट एन असेंबली ऑफ मंगोल्स चीफ चीफ उसके बाद चीफेशंस वर्ड ही वॉज
प्रोक्लेम्ड द ग्रेट प्रोक्लेम्ड द ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स विद अ टाइटल जेनिश खान द ओशियन खान और यूनिवर्सल रूलर, इसके नाम से इसको जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, इसमें कहता है कि उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी। जो चंगेज खान था वह चाहता था कि पहले हम चीन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले। फिर कहता है जो समय 3 राज्यों में विभाजित था वे थे उत्तर पश्चिम प्रांतों के तिब्बत मूल के सी सी उसके बाद सीसिया लोग। देखिएगा देखिएगा जो चीन है, चीन की बात करते हैं, 3 प्रांतों में बसा हुआ था जिसमें एक था तिब्बत मूल के तरफ सीसिया लोग। ठीक है, सीसिया लोग इसको बोलते हैं, सी सिया, एच साइलेंट होता है इसमें, इसमें एच साइलेंट होता है सीसिया लोग में। आगे देखिएगा उसके बाद जरचेन लोग के चीन राजवंश जो पेकिंग के उत्तर चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, और शुंग राजवंश। ये 3 क्षेत्रों में बसा हुआ था चीन। ठीक है, जिनके अधिपत्य में दक्षिणी चीन और 1209 में सी सिया लोग परास्त हो गए। और यह 1209 में जो सी सिया लोग हैं यह 1209 में परास्त हो गए, यह 1209 में हार गए, हार हुई, परास्त हो गए। और 1213 ईस्वी में चीन का महान दीवार का अतिक्रमण हो गया, और 1213 में जो दीवार था चीन का उसका अतिक्रमण हो गया, और 1215 ईस्वी में पेकिंग नगर को लूटा गया। और जो पेकिंग था, पेकिंग नगर चीन में था, उसको 1215 ईस्वी में पेकिंग को लूटा गया। और चीन वंश के विरुद्ध 1234 ईस्वी देखिएगा कहा चीन वंश के विरुद्ध 1234 ईस्वी तक लंबी लड़ाइयां चली, पर चंगेज खान अपने अभियानों की प्रगति में खूब संतुष्ट था, और इसलिए उसे उस क्षेत्र के सैनिक मामलों अपने हाथों में अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में लौट गया। कौन? चंगेज खान। कहता है कि मंगोल द्वारा किए गए विनाश का आकलन, क्या विनाश हुए? 1206 ईस्वी में निशापुर पर अधिपत्य करने में, देखिएगा 1220 में एक निशापुर जगह था, निशापुर पर अपना अधिकार जताने के लिए, अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए इन्होंने 17 लाख लोगों को मार गिराया, 17,47,000 लोगों को मार गिराया। फिर जबकि 1222 ईस्वी में उसी के तकरीबन 2 साल बाद हिरात पर अधिपत्य के लिए इन्होंने 16 लाख लोगों को मार गिराया। फिर 1258 में बगदाद पर अधिपत्य अधिकार करने के लिए 8 लाख लोगों को मार गिराया और का वध किया गया, और छोटे नगरों में सापेक्षिक रूप से कम नरसंहार हुए। नासा में 70,000, यह छोटा नगर था नासा, नासा में 70,000, बैहाक जिले में 70,000, और कुहिस्तान के प्रांत में के तून नगर है, यहाँ पे 12,000 लोगों को लगभग मारा गया। तो यह उन बेहुदाओं द्वारा लोगों का जो वध किया गया अपने साम्राज्य को फैलाने में, उसके बारे में यह लेखा जोखा है। आगे देखिएगा, फिर अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खान की मृत्यु होती है। और ये जो चंगेजवा था बेहुदा,
1227 में निकल लिया, 1227 में चंगेज निकल लिया। सोचिए कितने लोगों को मार गिराया भैया, 1 अरब मान के चलिए, मोटा मोटी करोड़ों जनसंख्या तो यही से मरवा दिया होगा जिसका लेखा जोखा नहीं होगा। चलिए अब चंगेज खां के उपरांत ओकर जो वंशज आए हैं उनके बारे में, मंगोल जो थे, चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से लेकर के 1242 ईस्वी तक, और जिसके दौरान रूस में स्टेपी क्षेत्र, बुलधार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। ठीक है, आगे उसके बाद दूसरा चरण 1255 से लेकर के 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन सन 1279, ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई, और इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आ गई, जो सीमाएं जो परिसीमित हो रही थी उसमें कमी आ गई। फिर मोंके जो चंगेज खां के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसने उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 ईस्वी के दशक में ईरान पे शक्तिशाली अभियान किए गए। फिर देखते हैं सामाजिक, राजनैतिक और सैनिक संगठन, सोशल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इस नवीन श्रेणी हायरार्की में चंगेज खान ने अपने नव विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंपा, और चारों पुत्रों के लिए बड़े पुत्र को उसने स्टेपी प्रदेश दिया, उसके बाद दूसरे पुत्र को उसने तुरान का स्टेपी क्षेत्र और पामीर का क्षेत्र, पहाड़, उत्तरी क्षेत्र भी सौंप दिया, और चंगेज खान ने संकेत किया कि उसका तीसरा पुत्र ओगोई ओगोई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। और उसके बाद राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के समय बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की, और उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोए ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलों को प्राप्त किया, और परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद यानी करिलताई में होता था, जिसे परिवार या राज्य में भविष्य में निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह, भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से बैठ करके लिया करते थे। वह उत्तराधिकारी अगर किसी को उत्तराधिकार देना है तो इसके लिए वह इस पे आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया करते थे। परंतु 1270 के दशक में, दशक के आते आते शुंग वंश, जो चीन का वंश बताया था, शुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, और तब चंगेज खां का पोता कुबलई खान मृत्यु 1294 के कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभर करके सामने आया था, कुबलई खान। ठीक है, आगे देखिएगा गजन खान का भाषण। गजन खान 1295 से लेकर के 1304 पहला इलखानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को धारण किया था। ठीक है, आगे देखिएगा चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा, देखिएगा फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, और जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। यह हरकारा पद्धति एक कम्युनिकेशन के लिए हुआ करती थी, जो चंगेज खां के लिए था कि दूर दराज क्षेत्रों में अपने घोड़ों के माध्यम से, मवेशियों के माध्यम से या लोगों के माध्यम से वह हालात का जायजा ले सके। ठीक है, आगे देखिएगा इस संचार पद्धति की व्यवस्था हो गया। आगे देखिएगा सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास, जिसे फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में जेरेंज
जेरेज जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर, इस सुविधा के लिए एक बाज होता था जो टैक्स होता था जो व्यापारी अदा करते थे, क्योंकि एक प्रमाण पत्र समझिए मिला, उस प्रमाण पत्र के माध्यम से जो व्यापारी थे अपने ट्रेड को इधर उधर करेंगे, व्यापार करेंगे, जिसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था चंगेज खां को। ठीक है, आगे देखिएगा, चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुई के वंशज, एक टोलुई देखिएगा, टोलुई या चीन ईरान, चीन और ईरान, ईरान टोई के वंशजों ने युआन और इलखानी वंशजों की स्थापना की। इनके द्वारा युआन और इलखानी वंशजों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया, जो जोची थे, और के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, और चगताई के उत्तराधिकारी ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया चगताई के वंशज तथा रूस गोल्ड गोल्ड होर्ड के स्टेपी निवासियों के में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चलती रही नोमेडिक की, और 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोल ने यास शब्द का प्रयोग ज्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था चंगेज खां की विधि, यास का मतलब था लॉ ऑफ चंगेज खां, यास का मतलब लॉ ऑफ चंगेज खां, इसके नाम से करना शुरू कर दिया, और पूरे क्षेत्र में इसी नाम से इसको जाना जाने लगा। उसके बाद कहता है, यास मंगोल जनजातियों की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज खान ने ऐसी विधि की कल्पना पहले नहीं की हो, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था, और जिससे विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, आगे निष्कर्ष के तौर पर, उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई इकाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया, क्योंकि पहले चीन भी उनका शोषण करते थे, एक शानदार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, और व्यापार के रास्ते और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, और जिससे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे और समन बौद्ध ईसाई और अंततः इस्लाम, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिक इस्लाम, लेकिन सभी धर्मों के लोगों को अपने राजकाज में वह रखता था। ठीक है, तो यह कक्षा आपकी समाप्त होती है, अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।